कलर्स अवार्ड, स्पेशली मैं कलर्स के बारे में बोलूँगी बिकॉज कलर्स के साथ मेरा रिश्ता बहुत लंबा रहा है. आई स्टार्टेड विद उत्तरायण, नाउ दिल से दिल तक. सो इट्स बिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे लिए ऐसे दैट यू नो मुझे रीबॉर्न जैसी फीलिंग आती है. मॉम ने नाम रखा रश्मि, कलर्स ने नाम रखा तपस्या, नाउ इट्स शौर्वरी. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल जर्नी टिल नाउ एंड आई एम श्योर दैट आगे भी इतनी ही स्मूथ और ब्यूटीफुल और हैपनिंग जर्नी रहेगी मेरी कलर्स के साथ. मेरा जो परफॉर्मेंस है वो सिद्धार्थ शुक्ला जी के साथ एक गाना जो इन्ना सोना क्यू, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आल्सो, सो वी आर परफॉर्मिंग ऑन दैट. आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड एट देयर परफॉर्मेंस. मेरा लुक नॉर्मली जो शॉर्टवरी है उसको ध्यान में रख के मैंने पहना है बिकॉज इट्स कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड. सो शॉर्वरी इज समथिंग रिलेटेड जो आज लोगों को पसंद है और लोग जिसे देखना पसंद करता है. सो यस, जो बंद गला है एंड लॉन्ग सूट एंड अनारकली, सो इट्स वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ अनारकली. आई थिंक दिस इज वेरी इन दीज डेज, सो थोड़ी सी चमक धमक ली है मैंने. क्यों छोड़ के किसी और को क्यों सपोर्ट करेंगे, पैसे यहाँ से मिल रहे हैं. अपना शो छोड़ के कोई और मतलब, अगर काम नहीं कर रहे तो शायद किसी और को सपोर्ट करते, अभी तो काम कर रहे हैं. हाँ, अपने लिए खुद ही बोलना पड़ता है. अगर मुझे पर्सनली सपोर्ट करना हो या तो आई लव शक्ति, वन ऑफ माय फेवरेट शो. आई डिडंट न्यू दैट आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिल से दिल तक, बट उससे पहले से मैं रूबीना, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, तो मैं उसके लिए भी वो शो फॉलो करती थी. बट वो देखते देखते मुझे इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि ओ माय गॉड, आई इज लाइक यो, कलर्स इज द ओनली चैनल हु कैन टेक सच बोल्ड कॉन्सेप्ट एंड शो इट इन सच वे दैट पीपल विल अग्री एंड दे विल कनेक्ट टू इट.